नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की प्रतिष्ठित सीट रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सांसद मीनाक्षी लेखी को फिर से इस सीट से मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने इस सीट से दो बार सांसद रह चुके अजय माकन को और आम आदमी पार्टी ने बृजेश गोयल को नई दिल्ली के लोकसभा के रण में उतारा है। आपको बता दें कि इस सीट पर कई हाई प्रोफाइल लोगों ने चुनाव भी लड़ा है। इसमें देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल हैं और साथ ही राजेश खन्ना भी नई दिल्ली से सीट से सांसद रह चुके हैं। भाजपा के उम्मीदवार मीनाक्षी लेखी से खास बातचीत की हमारी एवन संवाददाता प्रीत किरण ने, आप भी सुनिए क्या कुछ खास कहा। ये मेरे साथ नई दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी इनसे बात करते हैं। मैम, बीजेपी ने दोबारा भरोसा दिया जताया, प्रधानमंत्री मोदी ने आप पे दोबारा भरोसा जताया, क्या जीत के आएंगे आप? मुझे पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री जी पर और अमित भाई पर कि जो विश्वास उन्होंने मुझे जताया है वो जो है पूरी तरीके से हम उस पर खरे उतरेंगे और साफ नियत सही विकास ही होगा उनके नेतृत्व में। सीधी टक्कर आपके किससे है, कांग्रेस पार्टी से या आम आदमी पार्टी से? मैं दोनों को बराबर रखती हूँ अपनी नज़र में और चुनाव चुनाव है और चुनाव चुनाव की तरह ही लड़ा जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। और जहाँ तक विषय है टक्कर किससे है किससे नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई टक्कर में है। अंतिम सवाल मेरा, मैं मुद्दे क्या रहेंगे नई दिल्ली में? इस बार ये कहा जा रहा है कि लोकल मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। देखिए, जहाँ तक लोकल मुद्दे हैं उसका रिपोर्ट कार्ड हम जनता को हर साल देते हैं, हर साल उनसे बात होती है, उनको सब कुछ पता है और क्षेत्रवासियों को अच्छे से पता है कि क्या क्या काम इस इलाके में करवाया गया है और वही विषय है। और सर, तो नई दिल्ली में लोकल जो मुद्दे हैं उस पर जो है पूरा ध्यान रखा जाएगा, फोकस किया जाएगा, ये कहना है मीनाक्षी लेखी जो कि दूसरी बार इस बार चुनाव लड़ रही है नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से। प्रधानमंत्री मोदी का भी उन्होंने धन्यवाद किया है जिस तरीके से भरोसा जताया है, क्योंकि कई ऐसे जो सांसद हैं, सिटिंग सांसद है बीजेपी ने, जिनका टिकट काट दिया था इस बार। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ प्रीत किरण सिंह, एवन टीवी, दिल्ली।